सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। आइए बना लेते हैं आज एक ऐसा नाश्ता जो हमारे घर पे कुछ चीजें बच जाती हैं कभी कभी, उन्हीं से आज हम तैयार करेंगे। कभी कभी हमारे यहाँ इस तरह से चावल बनाते हैं और वो बच जाते हैं, उन्हीं चावलों को आज मैं एक अलग रूप दे रही हूँ। उसी चावल से आज एक ऐसी डिश बना रही हूँ जो हमारे घर के सभी मेंबर बहुत चाव से बहुत शौक से खा लेंगे। एक बाउल में मैंने ले लिए हैं सुबह से बनाए हुए जो चावल रखे थे, वही चावल मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। एक बड़े बाउल में मैंने ये चावल ले लिए हैं। चावलों को इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। चावलों को इस तरह से थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। इन्हीं चावलों में मैं मिला रही हूँ दो उबले हुए आलू। ये मेरे पास दो उबले हुए आलू हैं, इन्हीं को मैं इसमें मिला रही हूँ इस तरह से। आलू को भी हम इसी में मैश कर लेंगे चम्मच की सहायता से। चम्मच की सहायता से इस तरह से मैं आलू और चावल दोनों को मिक्स कर रही हूँ, दबाते हुए एकदम इन दोनों को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू और चावल को बहुत ज़्यादा भी मैश करने की ज़रूरत नहीं है, चावल कुछ बड़े भी रह जाएंगे तो चलेंगे। आप इस तरह से हम इनको सभी को आलू और चावल को एक साथ मैश कर लेंगे। चावल और आलू को इस तरह से मैंने चम्मच की सहायता से मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा भी फाइन मिक्स पेस्ट नहीं करना है आपको इसका, बस इसी तरह से इसको मिला लेना है चावल और आलू को अच्छा दबाते हुए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ये है मेरे पास हरी मिर्च, जिसको चार हरी मिर्च है जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यही मिर्च हम इसमें मिला देंगे। आप मिर्च अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये है मेरे पास एक बड़ा प्याज कटा हुआ, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो भी इसमें मिला देते हैं। अब इसमें मिलाते हैं थोड़ा गरम मसाला। आधी चम्मच मेरे पास गरम मसाला है, वही मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ। अभी हमारे इस टिकिया को चटपटा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक चम्मच भर के चाट मसाला। चाट मसाला डाल दिया। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक काटा हुआ हरा धनिया इस तरह से। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डालेंगे, आधी चम्मच। आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें अदरक। अदरक को इसमें घिस कर डालेंगे, इसका पेस्ट नहीं डालेंगे, इस तरह से इसको घिस कर डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। डालेंगे इसमें नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें लगभग डेढ़ चम्मच नमक। इन सभी मसालों को हम इसमें अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। जब हमारे घर पे कुछ चावल बच जाते हैं उस समय हम अगर इस रेसिपी को बनाएंगे तो झटपट से हमारे चावल ख़त्म भी हो जाएंगे और उसको एक नया रूप मिल जाएगा और हमारे फैमिली वाले सभी मेंबर्स इसको बहुत अच्छे से चाव से खा भी लेंगे। तो बनाते हैं इसका यही एक नाश्ता। इसको मैं आज टिकिया का रूप दे रही हूँ। एक इसकी अब हम छोटी छोटी टिकिया बनाएंगे। अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लिया है मैंने। अब हम इसको इस तरह से हाथों से भी मिला लेंगे मसालों को सभी को इसमें। मैंने इसमें आधी चम्मच हल्दी भी डाल दी है। मैं आपको हल्दी बताना भूल गई थी, अभी दिखा रही हूँ। इसमें आधी चम्मच हल्दी भी मैंने डाली है। सभी मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है। आइए बना लेते हैं इसकी छोटी छोटी टिकिया। थोड़ा सा हाथों को तेल से ग्रीस करेंगे इस तरह से, और इस तरह से गोल गोल टिकिया का रूप देंगे इसको इस तरह से। जो हम आलू की टिकिया वगैरह बनाते हैं
वैसा ही टिकिया जैसा ही हम इसको एक शेप देंगे। इस तरह से छोटी छोटी टिकिया बना लेते हैं हम इस बैटर की। बहुत आसानी से बन जाती है, इनको बनाने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। बहुत आसानी से बस इस तरह से ये बैटर हाथ में लीजिए, इसको इस तरह से गोल गोल कीजिए और इस तरह से घुमा दीजिए। बस इसको प्रेस करके इस तरह से गोल गोल कीजिए, बस आपकी टिकिया तैयार है। बहुत टेस्टी बनती है ये टिकिया और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। इसको सेकने के लिए मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा लिया है। वैसे इसे डिप फ्राई भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ इसलिए कम तेल में हम इसको शेलो फ्राई करेंगे। मैंने नॉनस्टिक तवे को गरम रख दिया है। अब इसमें मैं यहाँ पर केवल 2 चम्मच तेल डालूंगी, इस तरह। बस इसी में हम अपनी इन टिकिया को रख देंगे और सेकने देंगे। मीडियम गैस पे ही हम इसे होने देंगे। चार मिनट हमारी टिकिया को फ्राई होते हुए हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए, एक साइड से हमारी टिकिया को कलर आ गया है, गोल्डन कलर आया है टिकिया को, बहुत अच्छा। अब हम सारी टिकिया को पलट देते हैं। एक साइड से हमारी टिकिया सभी अच्छे से सीख गई है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है सभी टिकिया को। लगभग 3-4 मिनट के लिए मैंने इस तरह से इसको सेका है। इसको भी मैंने पलटी कर दिया है। अभी लगभग 3-4 मिनट इसको वापस से बैक साइड से भी होने को लगेंगे। आपको दिखाती हूँ इसको कि ये दोनों साइड से कितनी अच्छे से सीख के तैयार हो जाएगी। मैंने केवल 2 चम्मच तेल ही इस पर डाला है। 2 चम्मच तेल में ही हमारी ये सारी टिकिया सीख कर तैयार हो जाएगी। 4-5 मिनट मेरे पीछे से भी टिकिया को पकते हो गया है। ये देखिए दोनों साइड से हमारी टिकिया को कितना अच्छा कलर आया है। एक साइड से ये इस तरह से हो गई थी, हमने इन्हें पलटा था। लगभग 4 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छे से इसको देखिए, पीछे से भी बहुत अच्छा कलर आया है टिकिया को। पीछे से तो हमने सेक ही लिया था टिकिया को, इस साइड से भी कलर अच्छा आ गया है। अब हमारी टिकिया यहाँ पर तैयार है सर्व करने के लिए। दिखाती हूँ आपको इनको सभी टिकिया को सर्व करके। ये सिर्फ 2 चम्मच में मैंने इतनी सारी टिकिया को फ्राई कर लिया है। आप भी इस तरह से ज़रूर बनाएं। ये एक हेल्दी भी नाश्ता है और झटपट बन जाने वाला। आपके घर पर कुछ लेफ्ट ओवर्स बन जाती है, सब्जियाँ वगैरह, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आलू और चावल का यूज़ किया है, साथ ही इसमें थोड़ा सा प्याज डाला है। थोड़े से मसालों के साथ बनकर तैयार है इतनी अच्छी टिकिया। आप भी अपने घर पर ज़रूर बनाएं। ये देखिए मेरी टिकिया सर्व करके तैयार है खाने के लिए। बहुत अच्छी टिकिया बन जाती है केवल 5 मिनट में ही। हम केवल 2 चम्मच तेल में अपने घर पर बचे हुए चावलों से ही मैंने इतनी अच्छी टिकिया तैयार की है। ये देखिए कितनी अच्छी टिकिया है। बाहर से ये जितनी अच्छी है दिख रही है, सिकाई इसकी कितनी अच्छी हुई है। बहुत अच्छा कलर आ गया है टिकिया को और देखिए अंदर से भी ये कितनी सॉफ्ट मुलायम टिकिया है। ये देखिए